हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में। जो प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है उसे बुध प्रदोष कहते हैं। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का दिन है। जो प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है उसे बुध प्रदोष कहते हैं। बुध प्रदोष व्रत करके कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की बुद्धि और स्वास्थ्य को ठीक कर सकता है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत का पूजन शाम के समय सूर्यास्त से पहले और ठीक बाद में किया जाता है। इस दिन शिव गणेश जी की पूजा से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन दोस्तों बुधवार के दिन, मतलब जिस दिन बुध प्रदोष होता है उस दिन, बुध प्रदोष के दिन मतलब नहा धोकर साफ हल्के रंग के कपड़े पहने और भगवान गणेश जी के सामने घी का दिया जलाकर गंग मंत्र का 108 बार जाप करें और सारा दिन भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से इन चीज़ों से पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली मोली चावल धूप दीप से पूजन करें और भगवान शिव को सफ़ेद चावल की खीर का भोग अवश्य लगाएं। आसन पर बैठ के शिवाष्टक का पाठ करें और शिव सहस्त्र नाम का जाप करें तथा सारे विघ्न और दोषों को ख़त्म करने की प्रार्थना भगवान शिव से जरूर करें। दोस्तों, जिन बच्चों की जन्म कुंडली के लग्न भाव में पापी ग्रहों के होने तथा लग्नेश के नीच राशि में जाने से स्वास्थ्य में बाधा आती है, उन्हें बुध प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। स्वास्थ्य के कारक सूर्य पीड़ित होने से सेहत भी अच्छी नहीं रहती है जिनकी, और उन्हें बुधवार के दिन देसी घी का चौमुखी दीपक शाम के समय शिवलिंग के समीप जलाएं और शिव चालीसा का 3 बार पाठ करें। ऐसा करने से बच्चों के स्वास्थ्य की परेशानी खत्म होगी। बच्चों के स्वास्थ्य की समस्या खत्म होने पर बीमार बच्चों को दवा और कपड़ों का दान जरूर करें। दोस्तों, कुशाग्र बुद्धि और स्वास्थ्य के लिए लग्न लग्नेश तथा बुध और गुरु सूर्य का शुभ और बलवान होना जरूरी होता है। अपने स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। ऐसा लगातार करने से सभी ग्रह शुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। अपने घर की उत्तर पूर्व ईशान यानी कि ईशान कोण में मिट्टी के बर्तन में जल भर के रखें और समय समय पर इसका जल बदलते रहें। अपनी और अपने बच्चों की बुद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत के दिन सुबह और शाम के समय भगवान गणेश के सामने हरी इलायची अर्पित करें और 27 बार ओम बुद्धि प्रदाय नमः इस मंत्र का जाप सुबह और शाम करें तथा प्रसाद के रूप में इलायची भी खाएं। तो दोस्त, ये थी आज की खास जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक के बटन को दबा के नीला कर दीजिए और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को आगे बढ़ा के शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।